بسم الله الرحمن الرحيم. मेरे पांच अरब दुनिया के गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इन इस्लाम के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डेथ बॉडी के जरिए किस तरह दीन इस्लाम और मुसलमानों को बिना जंग के आसानी खत्म कर सकते हैं। तमाम मुसलमानों का यह अकीदा है कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस मुबारक उनके कब्र के अंदर मदीना मुनव्वरा में सऊदी अरबिया में बिल्कुल सही और सालिक अब तक महफूज है और ये मुसलमान दलील देते हैं कि कुरान करीम सूरह अल-बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 154 और सूरह आल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 169 में कहा गया है कि शोहदा इस्लाम जिंदा है उनको मुर्दा मत कहो, वो अल्लाह के पास हैं, उनको बातनी तौर पर जजा दी जाती है। यानी शोहदा इस्लाम जिंदा है मतलब ये है कि उनका जिस्म सड़ने गलने से महफूज है, लिहाजा जब शोहदा इस्लाम का जिस्म सड़ने गलने से महफूज है और वो जिंदा है, जिंदा इंसानों की तरह सब फितना है कि हम समझ नहीं सकते क्योंकि वो चलते फिरते नहीं, उनका नब्ज हरकत नहीं कर सकता, लिहाजा उनके जो नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जिस्म भी महफूज है। इसी तरह से मुसलमान ये कहते हैं कि अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 1 किताबुस सलात बाब तफरीन जुमा में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन तुम लोग मेरे ऊपर कसरत से दरूद भेजा करो। लोगों ने पूछा कि जब आप सरगल जाएंगे तो मेरा दरूद आपके ऊपर कैसे पेश किया जा सकता है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इन्नल्लाह हर्रमा अल-अर्ज़ अस्हाब अल-अंबिया, कि अल्लाह तआला ने जमीन को मना कर दिया है कि वो नबियों की जिस्म को खाएं, लिहाजा मैं भी चूंकि नबी हूं लिहाजा मेरा जिस्म भी सड़ने गलने से महफूज रहेगा, लिहाजा तुम लोग मेरे ऊपर दरूद सलाम भेज सकते हो। लिहाजा मेरे 5 अरब गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों, अगर आप लोगों ने दुनिया के टीवी चैनल पर मीडिया पर आकर ये साबित कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक कब्र में महफूज नहीं बल्कि सरगल किया है, तो इस्लाम का और मुसलमानों का जो ये अकीदा है वो बातिल साबित हो जाएगा। इस तरह से कुरान भी मशकूक हो जाएगा और दीन इस्लाम गलत साबित हो जाएगा, मुसलमान दीन इस्लाम को छोड़ देंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी नहीं थे इसीलिए उनका जिस्म सरगल हुआ है। लिहाजा ये बहुत ही आसान तरीका है इस्लाम को खत्म करने का और मुसलमानों को खत्म करने का बगैर किसी जंग के। आप लोग बिना वजह इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, मुल्क शाम के अंदर, कश्मीर के अंदर, फलस्तीन के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर मुसलमानों पर जंग मुसलत किए हुए हैं और अपना मिलियन डॉलर्स खर्च भी करते हैं
और इलेक्शन के अंदर फिर मुसलमान आप लोगों पर हमले भी करते हैं और आप लोगों के भी फौजी को बाल बच्चों को नुकसान पहुंचता है, तो क्यों ना आप लोग ये आसान तरीका इख्तियार करें और इस इशू को, इस टॉपिक को दुनिया के तमाम मीडिया टीवी चैनल पर लाएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक सड़ गया है, ताकि ये दुनिया इस्लाम से जिसको आप लोग फारसीज़म कहते हैं और मुसलमानों से जिसको कि आप लोग टेररिस्ट कहते हैं, उनसे ये दुनिया पाक हो जाए और ये दुनिया पीसफुल हो जाए और आप लोग सुकून से रह सकें। ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट है तमाम गैर मुस्लिमों से, वो इस बात को दुनिया के सामने लाए और जंग को बंद कर दें, आपका जो रुपया खर्च हो रहा है उस पर बंद कर दें, वेपन पर जो रुपया लगा रहे हैं उसको बंद कर दें और वही रुपया आप अपने मुल्क के गरीब आवाम पर खर्च करें, उनके इलाज मुआवजे पर खर्च करें, उनकी सेहत पर खर्च करें, उनकी तालीम पर खर्च करें, आप सबसे बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसा ना किया, और मेरा ये चैलेंज है आप कभी भी इस टॉपिक पर वर्ल्ड मीडिया पर बात नहीं कर सकोगे, तो फिर आप ये समझ रहे हैं कि आप दुनिया से गुर्बत को खत्म नहीं कर सकते, जहालत को खत्म नहीं कर सकते, जंगों को आप नहीं रोक सकते और ना ही इस्लाम को खत्म कर सकते हैं और ना ही मुसलमान को खत्म कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप वापिस आप लोग मुखलिस हैं गुर्बत के खात्मे, जहालत के खात्मे के लिए, दुनिया को पुरसकून बनाने के लिए, तो आप ये आसान रास्ता इख्तियार करें ताकि इस्लाम भी खत्म हो जाए, मुसलमान भी खत्म हो जाए बिना जंग। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।